दोस्तों आप जानते ही हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है। असल में पानी ही नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड जब वेपर में बदलता है तो उसे काफी सारी हीट की जरूरत होती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। इसलिए जब आप अपना मुंह धोते हैं या आपको पसीना आता है और वह पानी जब सूखता है तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जब पानी सूखता है तो वह वेपर में बदल जाता है और वेपर में बदलने के लिए उसे जो हीट चाहिए या कहें कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, वो उसे मिलती है आपके गालों से। इसलिए जब वेपर में से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाहर निकल जाती है तो वह वापस लिक्विड में बदल जाता है। दोस्तों एसी में भी एक लिक्विड होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं और कमरे को ठंडा करने के लिए या ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गर्म कमरे में एक पाइप के जरिए फ्लो करवाया जाता है। इस पाइप को इवेपोरेटर कहा जाता है और इसमें लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है। यह प्रेशर इतना लो होता है कि इस प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता है और इसलिए इसे इवेपोरेट होना ही पड़ता है। और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होता है तो इसे इवेपोरेशन के लिए बहुत सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है और ये हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है कमरे की एयर से। रूम एयर से हीट आसानी से रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर हो सके, इसलिए हम एक पंखे की सहायता लेते हैं। असल में ये रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही है जिसके कारण कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। इवेपोरेट होने के बाद रेफ्रिजरेंट गैस में बदल जाता है और कंप्रेसर में चला जाता है। एसी में कंप्रेसर दो काम करता है। पहला और कम महत्वपूर्ण काम है रेफ्रिजरेंट को पाइप में फ्लो करवाना। दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, शायद आप अपने अनुभव से ही जानते होंगे कि जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपने कभी साइकिल में इस चाइनीज वाले पंप से हवा भरी है तो आपको पता होगा कि इसका ऊपर वाला पोर्शन गर्म हो जाता है। यह मेनली हवा का प्रेशर बढ़ने के कारण ही गर्म होता है। यहाँ पर यही काम एसी का कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर इवेपोरेटर से आती हुई ठंडी गैस का प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि इसका टेम्परेचर कमरे के बाहर मौजूद सराउंडिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि इस हाई प्रेशर गैस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए इसमें से हीट सराउंडिंग में फ्लो होने लगती है, या यूं कहें कि ये गैस ठंडी होने लगती है। और इस हीट फ्लो प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक पंखे का सहारा लिया जाता है। और जब इस गैस बन चुकी रेफ्रिजरेंट में से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाहर निकल जाती है तो यह वापस लिक्विड में बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडेंस होने के बाद भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और अगर इसे ऐसे ही कमरे में अंदर भेज दिया तो कमरा कभी ठंडा नहीं हो पाएगा। पर फिर हमने इसे कंडेंस किया ही क्यों? हमने इसे कंडेंस इसलिए किया है क्योंकि अब हम इसे कमरे के अंदर इवेपोरेट करके कमरे की गर्मी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर इसे इवेपोरेट करने के लिए हम इसके प्रेशर को कम करने की जरूरत होती है और ये काम करता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व पाइप में एक बहुत ही पतला रास्ता होता है और इस पतले रास्ते से गुजरने पर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है और इस अचानक से हुए प्रेशर ड्रॉप की वजह से कुछ रेफ्रिजरेंट तो एक्सपेंशन वाल्व में ही इवेपोरेट हो जाता है और इस दौरान इवेपोरेशन के लिए इसे जो हीट चाहिए वो ये खुद रेफ्रिजरेंट से ही एब्सॉर्ब कर लेता है और इसलिए एक्सपेंशन वाल्व के एक तरफ से तो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर जाता है और दूसरी तरफ से कम प्रेशर पर ठंडा लिक्विड का और वेपर का मिक्सचर बाहर निकलता है, कुछ वैसे ही जैसे स्प्रे बोतल में से पानी और वेपर का ठंडा मिक्सचर बाहर निकलता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड वेपर में कैसे बदल जाता है। दोस्तों पढ़ाई करते समय आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे। आपके भी कुछ वीक एरियाज होंगे जिन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये वीक एरियाज ही हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं और जब नंबर कम आने लगते हैं तो आप साइंस में अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है कि साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और इसकी खूबसूरती समझने के लिए बस आप अपने वीक एरियाज को पक्का करना शुरू कर दो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो फिलो ऐप जरूर यूज करो। जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसकी फोटो खींचकर फिलो ऐप पर अपलोड कर दो। फिलो ऐप मात्र 60 सेकंड्स के अंदर आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर से कनेक्ट कर देगा। फिर आप उनसे समझ के पढ़ो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ट्यूटर लाइव 1-to-1 आपको समझा देंगे। आपको डरने की या शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों है ना ये कमाल की चीज। साइंस समझने के लिए सवाल पूछो, अनलिमिटेड सवाल पूछो। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक पूछो। फिलो ऐप आपको समझा देगा। फिलो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी के अभी जाके डाउनलोड करो और मुझे अपना एक्सपीरियंस बाद में कमेंट करके बताना।
इसके बाद रेफ्रिजरेंट कमरे के अंदर इवेपोरेटर पाइप में चला जाता है, जहां बाकी का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होता है और कमरे की गर्मी एब्जॉर्ब करता है, और ये साइकिल इसी प्रकार चलता रहता है। अब आप एसी का वर्किंग प्रिंसिपल तो समझ ही गए हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि एक रियल एसी में कौन सा पार्ट कहां पर लगा होता है। दोस्तों, अगर आपने कभी एसी देखा होगा तो आपको पता होगा कि एसी में दो हिस्से होते हैं, कंप्रेसर और कंडेंसर कमरे के बाहर वाले हिस्से में लगे होते हैं, वहीं इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व कमरे के अंदर वाले हिस्से में लगे होते हैं। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होने के बाद एक पाइप के द्वारा बाहर वाले हिस्से में रखे कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर इसे कंप्रेस करके इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाकर कंडेंसर में भेज देता है, जहां पर हीट रेफ्रिजरेंट में से सराउंडिंग में चली जाती है और रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाता है। इसके बाद ये गर्म लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक पाइप के माध्यम से कमरे के अंदर वाले हिस्से में चला जाता है, जहां पर ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एक पतली जगह से पास होता है, जिसके दूसरी तरफ लो प्रेशर होता है। इवेपोरेटर के एग्जिट पे एक टेम्परेचर डिटेक्टर लगा होता है, जिसके अंदर एक गैस भरी होती है। जैसे ही इवेपोरेटर का एग्जिट टेम्परेचर बढ़ता है, डिटेक्टर के अंदर मौजूद गैस का प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ये गैस इस स्प्रिंग पर दबाव बनाती है, जिसके कारण वाल्व कुछ ज्यादा खुल जाती है और ज्यादा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाने लगता है, और कमरे की कूलिंग भी बढ़ जाती है। जब कूलिंग बढ़ जाती है तो डिटेक्टर का टेम्परेचर घट जाता है और इसके अंदर की गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसके कारण वाल्व कुछ हद तक बंद हो जाती है, और इस प्रकार रेफ्रिजरेंट का फ्लो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है। कमरे की गर्म हवा को इवेपोरेटर पाइप के ऊपर से फ्लो करवाया जाता है, वहीं रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होता है और इवेपोरेट होकर हवा की गर्मी एब्जॉर्ब करता रहता है। एसी में सिलेंड्रिकल टाइप का पंखा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह कम जगह घेरे। हवा में मौजूद वेपर जब इवेपोरेटर पाइप के संपर्क में आता है तो वह कंडेंस होकर लिक्विड में बन जाता है, और इस पानी को एक पाइप के माध्यम से कमरे के बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिलो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।